दोस्तों स्वागत है आप सबका typingbazaar.com पर। आज हमारे नंबर पैड का दूसरा क्लास है और पिछले क्लास में हमने सीख लिया है कि नंबर पैड का होम रो क्या होता है, हमें हमारी उंगलियों को होम रो यानी 4, 5, 6 प्लस पर कैसे रखना है। तो आज हम सीखेंगे कि होम रो के ऊपर का रो को कैसे टाइप करना है। तो होम रो के ऊपर के रो में 7, 8, 9 है, तो हम आज के इस क्लास में इसे कैसे टाइप करना है सीखेंगे। तो हमारी उंगलियां हमेशा की तरह होम रो पर रहेंगी और हम अपने इंडेक्स फिंगर से 7 टाइप करेंगे, मिडिल फिंगर से 8 टाइप करेंगे और रिंग फिंगर से 9 टाइप करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडेक्स फिंगर से 7 टाइप करेंगे, मिडिल फिंगर से 8 टाइप करेंगे और रिंग फिंगर से 9 टाइप करेंगे। तो यह तो बात हो गई कि हमें 7, 8, 9 को प्रेस किस उंगली से करना है। अब हम सीख लेते हैं कि हमें इस क्लास का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, 7, 4, 8, 5, 9, 6 प्लस 4, 7, 5, 8, 6, 9 प्लस इंटर, 7, 4, 8, 5, 9, 6 प्लस इंटर, 4, 7, 5, 8, 6, 9 प्लस इंटर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही गाइड किया है कि हमारी उंगलियों को हमेशा यह प्रैक्टिस रहना चाहिए कि वापस उन्हें होम रो पर ही आना है, तो इसीलिए हम यहाँ भी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी उंगलियों को हमेशा होम रो का ध्यान रहे, उनको पता रहे कि उन्हें कोई भी नंबर टाइप करने के बाद वापस तो आकर होम रो यानी 4, 5, 6 और प्लस पर ही रुकना है। तो आज के इस क्लास का भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 4 से 5 पेज पूरा फिल करना है और जब आप बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उंगलियों को इतना मूवमेंट का प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब मसल मेमोरी के कारण उनको मूवमेंट का पूरा अच्छे से पता चल जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके भी नंबर पैड पर भी टाइप कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि टाइप करते वक्त आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना है, हमेशा अपने स्क्रीन पर ही देखना है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।